नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार से। आज हम बात करेंगे जो वीनस का चेंज हो रहा है लिब्रा में, 18 अक्टूबर को हो रहा है और 11 नवंबर तक रहेगा, इसका सबके लग्नों पर क्या असर पड़ेगा। आज हम बनाएंगे पार्ट वन। आइए सुमित, बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कांटेक्ट कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीनस शुक्र इन लिब्रा, वीनस हमारा प्लैनेट शुक्र इन लिब्रा तुला में जा रहा है, 18 अक्टूबर को 11 नवंबर तक रहेगा। आज हम बनाएंगे पार्ट वन, एरीज मेष से लेकर वर्गो कन्या तक, और कल हम बनाएंगे पार्ट टू, लिब्रा तुला से लेकर पाइसिस मीन तक, हमेशा की तरह, और उसी में हम रेमेडीज बताएंगे। ये हमारे इंडिया की टॉरस वृषभ लग्न कुंडली है। ये सब मैं पढ़ दूं फिर आप पढ़ दो, हाँ, एक बार आप सारा पढ़ दो। फ्रॉम लिब्रा द वीनस विल एस्पेक्ट द एरीज, लिब्रा से वीनस देखेगा एरीज को, विल बी विद केतु सन इन लिब्रा, राहु शनि एस्पेक्ट, केतु और सूर्य लिब्रा में ही रहेंगे और राहु शनि का एस्पेक्ट रहेगा। विल वीनस विल गिव निजभंग राजयोग टू सन, शुक्र जो है वो निजभंग राजयोग देगा सूर्य को। विद दिस फोर प्लैनेट्स विल बी देयर ओन साइन, शनि गुरु शुक्र बुध, चार प्लैनेट्स अपने ही साइन में होंगे, शनि गुरु शुक्र बुध। तो इस हिसाब से तो ये तो बहुत अच्छा जाना चाहिए सबके लिए। दोस्तों अब दो मिनट के लिए दोस्तों, शुक्र जो है अपने ही साइन के अंदर आ जाएगा दोस्तों, तुला राशि के अंदर। और तुला आपको दोस्तों मालूम है शुक्र की मूल त्रिकोण राशि, यानी कि स्ट्रांग राशि है। और दोस्तों कोई भी प्लैनेट अगर अपनी राशि के अंदर होगा, मूल त्रिकोण राशि के अंदर होगा, तो उसका जो रिजल्ट होता है बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे दोस्तों, बुध वो अपने ही साइन के अंदर है, मूल त्रिकोण के अंदर। दोस्तों अब शुक्र भी अपने ही साइन के अंदर आ गया। बुध दोस्तों डिनोट करते हैं माँ दुर्गा को, शुक्र डिनोट करता है माँ लक्ष्मी जी को। तो दोस्तों ये बड़ा तगड़े वाला कॉम्बिनेशन हो गया, बिकॉज इस समय ना सिर्फ बुध अपनी राशि में है, तो शुक्र अपनी राशि में आ जाएगा 18th को, गुरु ऑलरेडी अपनी राशि में, दोस्तों आपको मालूम है अगले मई 2023 तक रहने वाले, शनि भी अपने साइन के अंदर इस समय है, चाहे रेट्रोग्रेड मोशन में डायरेक्ट हो जाएगा अभी। दोस्तों चार प्लैनेट अपने साइन के अंदर, और चारों के चारों वो प्लैनेट दोस्तों बुध बुद्धि के लिए दोस्तों, पैसे के लिए, शुक्र दोस्तों होता ही पैसे के लिए, शनि बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, गुरु कहीं ना कहीं विजडम के लिए, नॉलेज के लिए। वो चार प्लैनेट दोस्तों जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, हमारी एस्ट्रोलॉजी में पैसे को, धन संपदा को, आपके इंटरनल पीस को, लग्जरी को डिनोट करते हैं अपने ही साइन में होने से। जिस तरह हम दोस्तों बार बार अपनी वीडियो में बात कर रहे हैं कि दिवाली का जो सीज़न है, इनफैक्ट तो दिवाली भी दोस्तों सर पर चढ़ गई है, एक हफ्ते बाद दिवाली हो जाएगी दोस्तों, इसके 6 दिन बाद ही। जिस तरह दिवाली का सीज़न है और आने वाला जो सीज़न है दोस्तों, लोगों के चेहरे में मुस्कान लेकर रहेगा, नेगेटिविटीज़ को दूर करेगा, बिकॉज दोस्तों शुक्र का अपने ही साइन के अंदर आना, या किसी का भी, किसी भी प्लैनेट का दोस्तों अपने साइन के अंदर आना, उस प्लैनेट को ना सिर्फ दोस्तों हेल्दी करता है, उस प्लैनेट के जो गुणवत्ता है, उस प्लैनेट की जो क्वालिटीज़ है, उनको एक लेवल ऊपर लेके जाता है। दोस्तों प्लैनेट्स भी इंसानों की तरह ही मतलब बिहेव करके चलते हैं, व्यवहार करके चलते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपका 1 BHK है, 2 BHK है घर आपका, छोटा सा घर आपका, लेकिन आप घूमने जाते हैं बाहर, 5-star होटल में ठहरते हैं, अब वहाँ पे आप हफ्ता रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो आप अपने घर में, एक अपने एक रूम के घर में या 2 रूम के घर में आकर रहेंगे, जितनी खुशी आपको वहाँ मिलेगी, जितनी आपको पीस वहाँ पे मिलेगी। तो अपना घर दोस्तों बहुत बढ़िया रहता है, चाहे आप 5-star होटल में रहें जितने दिन के लिए। उसी तरीके से दोस्तों कोई भी ग्रह अगर अपने ही राशि में होगा, अपने ही घर के अंदर होगा, उसको बहुत खुशी मिलती है, और उससे जो रूल्ड आउट लोग होते हैं, उस राशि के लोग या उस लगन के लोग दोस्तों, उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। दोस्तों एक चीज़ और बताए तो, कि शुक्र मैंने आपको बता दिया माँ लक्ष्मी को डिनोट करता है, मज़ा आ जाएगा उनको दोस्तों, क्योंकि तुला लगन के अंदर चेंज हुआ। छोटे से बात बताता हूँ, देखिए दोस्तों तुला को एक तरफ सराउंड करती है बुध, बुध की राशि कन्या, और एक तरफ है दोस्तों वृश्चिक राशि, यानी कि मंगल की राशि। मंगल दोस्तों हो गए हनुमान जी, बुध हो गए दोस्तों माँ दुर्गा। उसी तरीके से दोस्तों शुक्र की जो दूसरी राशि है दोस्तों, उसको भी एक तरफ दोस्तों मंगल की राशि डिनोट मतलब रहती है हनुमान जी की, और एक तरफ बुध की यानी कि माँ दुर्गा की। तो दोस्तों शुक्र से जो रूल्ड आउट लोग होते हैं खासकर, उनके साथ एक बड़ी अच्छी बात दोस्तों, उनका माँ दुर्गा यानी कि बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है उनके पास, और एक तरफ मंगल, उनके पास बोल्डनेस, करेज, उनकी स्पीकिंग क्वालिटीज बहुत होती है। और दोस्तों आप जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि शुक्र लगन के जो लोग होते हैं मीडिया में बड़ा अच्छा नाम करते हैं दोस्तों। मीडिया के लिए बुद्धि चाहिए होती है, और आपकी स्पीकिंग स्किल चाहिए होती है, आपकी ऑन द स्पॉट आपकी थिंकिंग चाहिए होती है। तो शुक्र लगन के लोग को, तुला लगन हो या वृषभ लगन हो, उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, ये वाला माता रानी की बहुत मेहर आने वाली दोस्तों उन पर। दोस्तों अब जैसे शुक्र यहाँ पर लिब्रा के अंदर आ जाएगा, लिब्रा से दोस्तों 7th एस्पेक्ट जाएगा दोस्तों मेष राशि पे। उससे पहले एक बात बताऊँ दोस्तों, शुक्र का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट होता है, सिंगल एस्पेक्ट दोस्तों, सिंगल एस्पेक्ट होता है दोस्तों, और वो भी होता है दोस्तों कहाँ पे, अपने 7th हाउस पे, यानी कि 180 डिग्री।
तो दोस्तों शुक्र का जो सेवंथ एस्पेक्ट जाएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उसको सीधा मेष राशि पे जाएगा, यानी कि मंगल की राशि पे, यानी कि शुक्र जो कि महालक्ष्मी, मंगल यानी कि हनुमान जी। तो यहाँ पे दोस्तों आने वाला जो त्यौहार है, ना सिर्फ आपको शुक्र महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा दोस्तों, मंगल यानी कि बजरंग बली का भी पूरा आशीर्वाद आप पे रहने वाला है। तो काफ़ी अच्छा चेंज होगा, ये वाला बेनिफिट देखा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे शुक्र रहेगा सूर्य के साथ, जो कि यहाँ पे नीच का हो गया। सूर्य की वीडियो दोस्तों मैंने समझा दिया था किस तरह नीच भंग मिलेगा उसको, बहुत बेनिफिट हो जाएगा यहाँ पे, सूर्य को नीच भंग मिलेगा दोस्तों। केतु भी यहाँ पे है, राहु का भी एस्पेक्ट आ जाएगा दोस्तों, और साथ में शनि का भी एस्पेक्ट आ जाएगा 10th 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दोस्तों शनि का भी एस्पेक्ट। और शनि की दोस्तों ये उच्च की राशि भी है, तो शुक्र पे शनि की राशि, और वो भी जब शनि की उच्च की राशि यानी कि एग्जॉल्टेड साइन लिब्रा होगा, तो शुक्र से रूल आउट जो लोग हैं, जो लिब्रा सेंडेंट के जो लोग हैं, लिब्रा साइन के जो लोग हैं, मून साइन के जो लोग हैं, उनका दोस्तों ग्राफ ऐसे चढ़ता है ये स्पीड के साथ। फिनेंशियली दोस्तों बहुत बड़ा टाइम हो जाता है, और दोस्तों क्योंकि राहु की अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, वो जहाँ पे रहता है या जहाँ पे उसका एस्पेक्ट है वैसा ही बिहेव करता है, शुक्र की राशि के अंदर आके शुक्र के वहाँ पे होने से ये शुक्र को ही बल देगा, इन्फ्लेट करेगा, एग्जॉल्ट करेगा शुक्र के साइन को, शुक्र ऑक्सीजन देगा। तो लिब्रा वालों को दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है, एटलीस्ट फाइनेंशियली यस बेनिफिट मिलने वाला है। बट इसका एक साइड इफेक्ट है दोस्तों, सूर्य यहाँ पे नीच का दोस्तों, राहु इन्फेक्शन, सूर्य गर्मी, फीवर, टाइफॉइड, शनि बीमारी, तो हेल्थ का हमें ध्यान में देकर चलना है, स्पेशली लिब्रा असेंडेंट वालों को, बिकॉज उनको ही जहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। हेल्थ को अगर हम लोग साइड लाइन कर दें थोड़ा सा, अगर हमें देखें फीवर के इशूज़ ना हो, जिस तरह दोस्तों मौसम भी चेंज हो, डेंगू के इशूज़ ना हो, कहीं ना कहीं अगर फीवर टाइफॉइड की दिक्कत ना हो, तो ये अगर हम चले सूर्य नीच का दोस्तों, चोट से अगर हम बच चले, बिकॉज केतु भी है सूर्य भी, अपनी हड्डियों का बचाव करके चले, तो अदरवाइज दोस्तों फाइनेंशियली दिस कुड बी अ गेम टर्निंग, आई मीन गेम चेंजिंग काइंड ऑफ अ टाइम, ये बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा। यहाँ सूर्य को दोस्तों नीच भंग मिलते ही लिब्रा वालों के लिए और ज़्यादा बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए अब हम आते हैं सीधा राशियों पे, बस ये चारों पॉइंट आपने समझा दिए। एक जानकारी के लिए दोस्तों, दोस्तों शुक्र की जो जो उच्च की राशि होती है दोस्तों वो होती है मीन, और दोस्तों शुक्र की जो नीच की राशि होती है वो होती है वर्गो, कन्या। आप भी अब सीख गए सारा कुछ दोस्तों। ये बस शुक्र के दोस्तों सिर्फ दो ही, वो जैसा मैंने बताया कि सिर्फ एक ही एक्सपेक्ट होता है और दो राशियाँ होती हैं, और दोस्तों एक राशि होगी दोस्तों शुक्र की अपनी, पहली राशि कौन सी होगी? टॉरस। टॉरस दोस्तों एक होती है वृषभ यानी कि टॉरस, और दूसरी राशि यहाँ पे है जिसके बारे में हम लोग बात करें तुला। तो दो राशि है दोस्तों, वो शुक्र के साथ दोस्तों खाना पीना पसंद है, लग्जरीज पसंद होती है शुक्र वालों को दोस्तों, क्योंकि शुक्र माँ लक्ष्मी के साथ है, पैसा, पैसे से जो जो दोस्तों चीज़ें खरीदे, कपड़े, अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरी, अच्छे गैजेट्स, लंबी गाड़ियाँ, बड़ा घर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्तों जो लग्जरी लाइफ की होती है वो शुक्र को साथ पसंद होती है। और मैं शुक्र वाले दोस्तों हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि जिनका लगन या राशि शुक्र वाली है, वृषभ या टॉरस, वो कभी भी ना कंजूसी ना किया करे अपना कुछ लेना हो, तो मान लीजिए उनका आईफोन लेने का दिला सपोज, और उनके पास पैसा भी है आईफोन लेने के लिए, बट कंजूसी करके आपने ले लिया 20,000 का फोन और आपने 1.5 लाख का फोन छोड़ दिया, कंजूसी करके नहीं छोड़ो क्या फ़ायदा, अब वो जो पैसा बचाएंगे वो किसी नेगेटिव काम पे ना खर्च हो जाए, अपने सारे शौक पूरे करें, जितने अपने बड़े 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 शौक पूरे करेंगे दोस्तों उतना ही पैसा ज़्यादा आएगा आपके पास। चलिए अब हम आते हैं सीधा नंबर 1 पे, एरीज मेष लगन, सेकंड एंड सेवंथ का लॉर्ड है, सेवंथ में प्लेस्ड है, एंड अपने फर्स्ट हाउस को देखेगा सेवंथ एस्पेक्ट से, तो इनके लिए कैसा रहेगा चेंज, मंगल की राशि है दोस्तों। एरीज की अगर मैं बात करूँ आपसे, दोस्तों एरीज का क्या है कि इनका मंगल की हमने वीडियो बनाई थी, मंगल इनका थर्ड हाउस में आ चुका है, तो आज वो बहुत फायदेमंद हो जाएगा दोस्तों, मंगल यहाँ से अपने को इतना बेनिफिट देगा, देखिए थर्ड हाउस में मंगल आ चुका है दोस्तों। शुक्र दोस्तों इनका फिफ्थ का लॉर्ड है, उसको शुक्र से नीच भंग मिल जाएगा, यानी कि फिफ्थ हाउस से फायदा मिलने वाला है, पैसा आने वाला है। अब देखो शुक्र के यहाँ पर दोस्तों प्लेसमेंट कितनी जबरदस्त, लॉर्डशिप कितनी जबरदस्त होती है, सेकंड वेल्थ, सेवंथ पार्टनर, तो पार्टनर और वेल्थ का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना दोस्तों, सेकंड फैमिली, सेवंथ वाइफ, तो वाइफ और फैमिली का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना दोस्तों। और शुक्र क्योंकि फीमेल पैरेट है, तो मतलब मेल के चार्ट के अंदर ये वाइफ को डिनोट करता है, गर्लफ्रेंड को डिनोट करता है, सेक्शुअल एक्टिविटीज़ को डिनोट करता है दोस्तों। शुक्र अगर मान लीजिए आपकी कुंडली बहुत ज़्यादा खराब है, नीच का भी है, राहु के साथ प्लेसमेंट, तो ऐसे लोग प्रोस्टिट्यूशन में आ जाते हैं, तो वो नुकसान करके चले जाते हैं। तो दोस्तों सेकंड, सेवंथ का लॉर्ड और अपने ही सेवंथ हाउस के अंदर, इससे बड़ा दोस्तों कॉम्बिनेशन क्या होगा। और सेवंथ हाउस से दोस्तों फर्स्ट हाउस को देख के इतना स्ट्रॉन्ग शुक्र, जहाँ पे फिफ्थ का लॉर्ड सूर्य भी है, अपना सारा प्लेजर, अपना सारा पैसा, अपनी सारी लग्जरी आपके फर्स्ट हाउस में डाल के सेल्फ के अंदर डालेगा। मंगल ऑलरेडी आपको वो देखे चल रहा है, लक बढ़ा के चल रहा है, हिम्मत देखे चल रहा है। तो दोस्तों ये वाली दिवाली माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहा, शुक्र का जो दोस्तों चेंज होने वाला दिवाली से पहला, दिवाली से पहले का आखिरी चेंज है दोस्तों, सारे प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बैक टू बैक दोस्तों, सूर्य का भी चेंज है बैक टू बैक, मंगल का भी चेंज, और लास्ट चेंज ये वाला 18 तारीख को, ये जो आपको फ़ायदा देखा जाएगा इसका तो मेरे पास मतलब बयान करने के लिए दोस्तों वर्ड्स भी नहीं है। तो दिवाली पर आपने दोस्तों जो लेना है, सूर्य आपको सब कुछ देने को तैयार बैठे, मंगल का चेंज सब तैयार देने को बैठे, और ये दोस्तों पैसा भर देगा आपके लाइफ के अंदर। जो आपने दिवाली में इन्वेस्ट करना है, शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, डायमंड में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एफडीज में इन्वेस्ट करना है, कुछ भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है,
दिस इज दी बेस्ट टाइम, इसको मिस नहीं करना। हर तरीके से फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है, वाइफ के साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी, गर्लफ्रेंड से अच्छी कंपैटिबिलिटी, और आपकी शक्ल और सूरत दोस्तों बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आप फीमेल हैं तो फर्स्ट हाउस का वीनस का एस्पेक्ट जाना, वो भी अपने ही साइन से, आपके फेस ब्यूटी को, आपकी हेयर क्वालिटी को, आपकी आइज क्वालिटी को बहुत बड़ा कर जाएगा। और अगर आप इवेंट्स के अंदर हैं, एंकरिंग में हैं, मतलब मॉडल हैं या मीडिया के अंदर हैं, एंड बीइंग अ गर्ल, ये वाला कॉम्बिनेशन पर्टिकुलरली आपकी आपकी शक्ल और सूरत को, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा करके चलेगा। चलिए, एरियस वालों के लिए तो आपने अच्छा बता दिया। अब हम आते हैं टॉरस वृषभ लगन, जो शुक्र की ही राशि है, फर्स्ट एंड सिक्स का लॉर्ड है, सिक्स में प्लेस्ड है, एंड अपने ट्वेल्थ हाउस को देखिएगा सेवेंथ एस्पेक्ट से। तो इनके लिए कैसा रहेगा चेंज? दोस्तों टॉरस यानी कि वृषभ, वृषभ यानी कि शुक्र की दूसरी राशि, और दोस्तों मैंने बताया कि एक तरफ यहाँ पे बुध माँ दुर्गा का आशीर्वाद, और दोस्तों एक तरफ हो गया मंगल यहाँ पे मतलब बजरंग बली जी का आशीर्वाद। तो ऐसे लोग दोस्तों इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, मैं ऐसे आता हूँ, ऐसे लोग हमेशा फिनेंस फील्ड को ज़्यादा चूज़ करते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं दोस्तों इसके अंदर, स्पीकिंग क्वालिटी, लॉ बड़े अच्छे होते हैं दोस्तों ऐसे लोग, इनको दुर्गा का भी आशीर्वाद और माँ और गणेश उनका हनुमान जी का भी आशीर्वाद। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो शुक्र जो है वो सेल्फ को डिनोट करता है, फर्स्ट का लॉर्ड है और साथ में सिक्स का लॉर्ड है। दोस्तों फर्स्ट और सिक्स दोनों हेल्थ को डिनोट करते हैं, बिकॉज लगन का लॉर्ड हो गया दोस्तों, लगन होता ही आपकी बॉडी यानी कि आपकी हेल्थ यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, और दोस्तों सिक्स हो गया आपका डिजीज़ का, हार्ड वर्क का, आपके या आपके नान के पक्ष का यानी कि आपके मामा जी की साइड का, आपके मासी का। तो ये जो अपने अंदर हेल्थ वाला जो पार्ट लेके चलते हैं, और दोस्तों सिक्स का लॉर्ड इन से, अब दोस्तों अमूमन क्या होगा कि फर्स्ट इन सिक्स होगा तो बहुत नेगेटिव कॉम्बिनेशन, यानी कि आपका सेल्फ डिजीज़ वाले घर में चलेगा, डिजीज़ बढ़ गई, हेल्थ खराब हो गई आपकी। लेकिन दोस्तों क्या है यहाँ पे, ये साइमल्टेनियस दोस्तों सिक्स का भी लॉर्ड है, सिक्स इन सिक्स यानी कि नेगेटिव इन नेगेटिव बिकम्स हाईली पॉजिटिव। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका वो वाला पार्ट है, हेल्थ वाला पार्ट है, वो बेटर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपने को विपरीत राजयोग मिला। और सिक्स का लॉर्ड दोस्तों सिक्स हाउस में आके सिक्स हाउस के सब नेगेटिविटीज़ को खत्म करते हैं दोस्तों। प्रोफेशन में जो आपके एनिमीज होते हैं वो शांत हो जाते हैं, हिडन एनिमीज आपके शांत हो जाते हैं, आपकी लोअर बॉडी, इंटेस्टाइन, आपका कहीं ना कहीं किडनी वाला पार्ट, डायबिटीज़, यूरिन, पेनिस, अगर वुमेन है आप तो यूट्रस वाला पार्ट, उनमें इंप्रूवमेंट आ जाती है। बैकबोन की इश्यूज, लोअर बैक की दिक्कत यहाँ पर दोस्तों कम हो जाती है, बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन। और दोस्तों सिक्स का लॉर्ड दोस्तों शुक्र देखेगा ट्वेल्थ हाउस को, और आपको मैंने हमेशा बताया कि ट्वेल्थ हाउस लग्जरीज का होता है, शुक्र लग्जरीज को ही डिनोट करता है। और ऐसे में जब शुक्र की ट्वेल्थ पे एस्पेक्ट जाएगा तो ये प्लेजर को बढ़ाएगा, लग्जरीज को बढ़ाएगा, पैसा नाम शौहरत सब देके चलेगा। बस इतना ध्यान में रखना है, बिकॉज इनका फोर्थ का लॉर्ड जो सूर्य है वो इस समय नीच का हो चुका है सिक्स हाउस के अंदर, तो मदर वाला पार्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव। और यहाँ पे क्योंकि सिक्स हाउस ज़्यादा ही एक्टिवेट हो गया, सेल्फ का लॉर्ड भी सिक्स हाउस में आ गया अपने साइन के अंदर, ट्रैवलिंग भी दोस्तों यहाँ से डेफिनेटली हो जाती है, इंटरनल ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है एक्सटर्नल से ज़्यादा, अपने स्टेट के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर। तो अच्छा टाइम है, इनको तो दिक्कत वैसे भी नहीं थी, तो अब तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इनको। चलिए, टॉरस वालों के लिए भी अच्छा बता दिया आपने। अब हम आते हैं जेमिनाई मिथुन बुध की राशि, ट्वेल्थ एंड फिफ्थ का लॉर्ड है, फिफ्थ में प्लेस्ड है, एंड अपने इलेवंथ हाउस को देखेगा सेवंथ एस्पेक्ट से। तो इनके लिए कैसा रहेगा चेंज? दोस्तों जेमिनाई की बात करें, जेमिनाई हो गए मिथुन, मिथुन हो गए बुध की राशि, बुध और शुक्र दोस्तों आपस में परम मित्र, दोनों फीमेल प्लैनेट, दोनों परम मित्र। अब दोस्तों अगर आप जेमिनाई की बात करें, कहाँ गया जेमिनाई, हाँ ये रहा जेमिनाई दोस्तों। अब एक तरफ हो गया दोस्तों चंद्रमा और एक तरफ हो गया शुक्र दोस्तों। इनकी एक खासियत है कि ये जब एक तरफ चंद्रमा ने सराउंड करा और एक तरफ शुक्र ने सराउंड करा, और दोस्तों हमेशा बताया आपको कि चंद्रमा और शुक्र दोनों ब्यूटी को डिनोट करते हैं। तो जेमिनाई लगन के जो लोग होते हैं दोस्तों, अमूमन उनके फेस ब्यूटी ठीक ठाक हो जाती है, उनकी इंटेलिजेंस ठीक ठाक हो जाती है, पैसा दोस्तों उनके पास ठीक होते हैं, बिकॉज मून को दोस्तों यानी कर्क राशि वालों को हम लोग कहते हैं लक्ष्मी जी से डोनेट, मतलब लक्ष्मी जी नहीं रानी कहते हैं दोस्तों, शुक्र दोस्तों होता है लक्ष्मी है, तो दोनों ही कहीं ना कहीं पैसों को डोनोट करते हैं। तो लग्जरी में पहनने का शौक, खाने पीने का शौक ये रहता है दोस्तों जेमिनाई वालों को। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे जेमिनाई की बात करें, यहाँ पे शुक्र को जो लॉर्डशिप मिली दोस्तों बड़ी शानदार लॉर्डशिप है ट्वेल्थ और फिफ्थ की। ट्वेल्थ में दोस्तों शुक्र वैसे भी पॉजिटिव हो जाता है, और सेवन्थ हाउस में फिफ्थ हाउस में दोस्तों इसकी सेवन्थ राशि यानी कि तुला राशि आने से इसकी जो फिफ्थ की जो प्रॉस्पेरिटी है, फिफ्थ की जो इसमें स्ट्रेंथ है वो कई गुना बढ़ जाती है। हल्का सा भी स्ट्रॉन्ग शुक्र होगा दोस्तों मीन राशि के अंदर या मिथुन राशि के अंदर, मिथुन राशि या मिथुन लगन के अंदर, तो बहुत ज़्यादा पैसा नेम फाइनेंस देके जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों फिफ्थ का लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस से बड़ा कुछ होता ही नहीं दोस्तों, त्रिकोण का लॉर्ड शुक्र जैसा प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में, हमारी एस्ट्रोलॉजी में गुरु के बाद सेकंड मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती, इसमें कोई ओछापन नहीं होता, कोई सेल्फिशनेस नहीं होती, सिर्फ देना है, खाना इंजॉय करना है। त्रिकोण का लॉर्ड इन त्रिकोण हाउस फिफ्थ एंड फिफ्थ दोस्तों ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन हो जाता है, स्टॉक मार्केट से फ़ायदा, म्यूचुअल फंड से फायदा, स्पेकुलेशन से फायदा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से फायदा, हायर एजुकेशन में दोस्तों अच्छी, अब एग्जाम आने वाले जिनके सेकंड टर्म थर्ड टर्म के एग्जाम आने वाले, कॉम्पिटेटिव एग्जाम आने वाले, ये अगर आप जेमिनाई लगन के तो ये बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। वो सब लोग जो एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, एमबीए की तैयारी कर रहे हैं,
फाइनेंस फील्ड में जाना चाहते हैं, कैट के एग्जाम देना चाह रहे हैं, ये जो कॉम्बिनेशन दोस्तों बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, वो सभी लोग जो मीडिया के अंदर है, वो सभी लोग जो इंटरनेट के थ्रू कमाते हैं, जिनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जिनका नेट के थ्रू सारा काम आता है, नेट के थ्रू जिनकी इनकम है, ऑनलाइन के थ्रू इनकम आती है दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनको ये कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे फिफ्थ है दोस्तों, इलेवंथ हाउस को देखने से, इलेवंथ हाउस गेंस का होता है, तो यहाँ से दोस्तों फिफ्थ और इलेवंथ आपस में मिल गए, चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ से बेहतर हो जाती है। सूर्य को दोस्तों ऑलरेडी यहाँ से निजबक मिल चुका है, जो कि थर्ड का लॉर्ड है, सिबलिंग्स अपने को फायदा मिल जाता है यहाँ पे, ट्रैवलिंग अपने को यहाँ से मिल जाती है दोस्तों, और राहु का इस्पेक्ट आंसर है फिफ्थ हाउस में, राहु का जो त्रिकोण पे इफेक्ट जा रहा है दोस्तों इलेवंथ हाउस से बैठ के गेंस को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आप में से किसी की लॉटरी निकला है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप के बी सी की तैयारी करें हो सकता है के बी सी से आपको बुलावा भी आ जाए, तो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, लक अपने फुल प्रॉस्पेरिटी पे, लव लाइफ अपने फुल प्रॉस्पेरिटी पे, और क्योंकि उससे इलेवंथ हाउस जो होता है टेंथ का सेकंड हाउस बनने से प्रोफेशनल गेम्स में यहाँ से अचानक से आते हैं, तो जेमिनी वालों को दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, वेल्थ को लेकर हो, परमात्मा की पूरी आशीर्वाद, परमात्मा का पूरा आशीर्वाद। और टेंथ हाउस में दोस्तों ऑलरेडी आपके अगर आप नोटिस करेंगे गुरु बैठ के प्रोफेशनल आपको स्टेबल करके चल रहे हैं, और यही गुरु आपके फोर्थ हाउस को देख के आपको कहें देखें इमोशनली भी ठीक ठाक करके चल रहे हैं, तो कुछ खास नेगेटिव नहीं है इनके। चलिए हाँ, एक जरूरी चीज़ तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जेमिनी की अगर हम लोग बात करें, हालांकि मैंने मंगल की वीडियो बताता फिर से रिपीट कर दूँ, फर्स्ट हाउस में मंगल चल रहा है दोस्तों आपके, जहाँ मंगल प्रैक्टिकलिटी दे रहे हैं, जुबान अच्छी करके चल रहे हैं, वकालत में अच्छा काम देके चल रहे हैं, चोट लगने के चांसेस दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पे, चोट से बचकर चल रहे हैं, पेट का हमने ध्यान में रखना है, और स्पेशली वो सभी लोग जो प्रेग्नेंट हैं, जिनकी जो प्रेगनेंसी के दौर से निकल रही है, उनके फिफ्थ हाउस के अंदर राहु का भी इम्पैक्ट आ गया, सूर्य का भी इम्पैक्ट आ गया, नीच का सूर्य का, और फर्स्ट हाउस में मंगल भी आ गया, तो प्रेगनेंसी अबॉर्ड ना हो वो अपना पूरा ध्यान में दें, अपने एक्शन अपने मूवमेंट को इतना ही करें जितनी जरूरत है मूवमेंट। चलिए जेमिनी मिथुन को भी हो गया, बुध की राशि अब आते हैं, फोर नंबर कैंसर कर, इलेवंथ एंड फोर्थ का लॉर्ड है, फोर्थ में प्रेजेंट, टेंथ हाउस को देखिएगा सेवंथ एस्पेक्ट से, तो इनके लिए कैसा रहेगा? तो कर की बात करें तो कर नंबर चार, और आप देखें चार नंबर के एक तरफ हो गया दोस्तों बुध, बुध की राशि इंटेलिजेंस, स्पीकिंग, माँ दुर्गा, और तो एक तरफ हो गया राशियों की राशि सिंह राशि, यानी कि राजाओं की राशि, तो दोस्तों ये खुद रानी हो गई, ये हो गया राजा यानी कि पैसा, और यहाँ पे बुद्धि, तो कर्क लगन वाले दोस्तों जो लोग होते हैं अमूमन मैंने इनको कभी स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा, बहुत पैसा दोस्तों इनके पास, इतना पैसा होता है कि अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजर ले, कभी हैंड टू माउथ दोस्तों बहुत कम रीजन होगा कि हैंड टू माउथ रहे, बट हाँ क्योंकि चंद्रमा की राशि होती है दोस्तों ये, तो ये लोग ना बहुत इनको इमोशनली बहुत ये अनस्टेबल रहते हैं, बिकॉज चंद्रमा दोस्तों 14 दिन तो चढ़ता है ऊपर फिर नीचे आता है, तो ये उसकी तरह से दोस्तों बिहेव करते हैं, कभी तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, कभी बिल्कुल ही डाउन हो जाएंगे, बस इनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि इमोशनली स्टेबल नहीं होते ये। जैसे कैंसर की बात करें यहाँ पे देखिए लॉर्डशिप कितनी ज़बरदस्त है दोस्तों, इलेवंथ और फोर्थ दोस्तों, इलेवंथ गेंस, और जब हम बात करते हैं दोस्तों गेंस की बात करते हैं तो गेंस मतलब हर तरीके से गेंस, और दोस्तों इलेवंथ हाउस ट्वेल्थ का ट्वेल्थ बनने से ट्वेल्थ के लिए भी पॉजिटिव हाउस बन जाता है, यानी कि एक्सपेंसेस अच्छे कामों पर एक्सपेंसेस, और दोस्तों साथ में आ गया फोर्थ हाउस सुख स्थान, माँ का सुख, नौकर चाकर का सुख, गाड़ी का सुख, लैंड प्रॉपर्टी एसेट्स दोस्तों, ये सारे सुख हम लोग फोर्थ हाउस से देखते हैं, इतना बड़ा हाउस बन जाता है दोस्तों, फोर्थ त्रिकोण केंद्र हाउस बन गया, और ये हो गया गेंद, इसको साइमल्टेनियसली लॉर्डशिप मिलने से शुक्र अपने अंदर जमीन से पैसा लेके चलता है, फैन फॉलोइंग से पैसा लेके चलता है, पब्लिक लाइफ में आपके नेम एंड फेम से पैसा लेके चलता है, और इसकी अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे दोस्तों फोर्थ हाउस के अंदर अपने ही लैंड वाले हाउस के अंदर, प्रॉपर्टी वाले घर के अंदर दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ फिंगर का, जिन लोगों का घर नहीं बन पा रहा था रेंटेड थे, यहाँ से घर बन जाएगा दोस्तों, घर बनने की तैयारी, जो लोग कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लैंड लेना चाहते हैं, कल के बच्चों की शादी में काम आ जाएगा, या फैक्ट्री बड़ी लेना चाह रहे थे, रेनोवेशन करना चाह रहे थे, इससे अच्छा टाइम नहीं होता, और क्योंकि अब ये फैन फॉलोइंग वाला पार्ट, पब्लिक में आपका पार्ट, पब्लिक लाइफ के अंदर आपका पार्ट स्ट्रांग हो गया, सामने से टेंथ हाउस भी पार्टिसिपेट करेगा, तो टेंथ हाउस से पार्टिसिपेशन दोस्तों हो गया आपके प्रोफेशनली, इज्जत मान मर्यादा ऊपर, लीगली चीज़ें नीचे, मतलब अगर लीगली कुछ चीज़ें आपको इम्पैक्ट कर, ऐसी चीज़ें नीचे आ जाएंगी, और क्योंकि टेंथ हाउस होते हैं नाइन्थ का सेकंड पैटर्नल प्रॉपर्टी का, तो वहाँ से चीज़ें आसान हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हमने एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे सूर्य नीच का चल रहा है, राहु का भी इम्पैक्ट है, शनि का भी इम्पैक्ट है, पैसे में दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मदर के लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज मदर का फर्स्ट हाउस बन जाता है, मदर का सेल्फ हाउस बन जाता है, तो मम्मी को दिक्कत ना हो, उनको चोट वोट ना लगे, इमोशनली वो स्टेबल रहे तो ठीक है, वरना ये पर्टिकुलर चेंज मुझे लगता है कि हम इन चारों में से सबसे बड़ा ये वाला चेंज हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, बात फोर्थ हाउस कन्वेंस यानी कि गाड़ी को डिनोट करता है, शुक्र भी गाड़ी को ही डिनोट करता है, शनि वाहन को डिनोट करता है, तो जो लोग गाड़ी लेना चाह रहे थे, अच्छी गाड़ी लेना चाह रहे थे, बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे थे, दिल बड़ा करें, बड़ी गाड़ी ले यहाँ से, तो आगे जाके आपको शायद दिक्कत नहीं आएगी उनकी ईएमआई देने में या कुछ इस तरह की चीज़ों में। चलिए अब हम आते हैं कर्क का भी हो गया, फिफ्थ नंबर लियो सिंह, टेंथ एंड थर्ड का लॉर्ड है, थर्ड में प्लेस्ड एंड नाइन्थ हाउस को देखिएगा सेवन्थ एस्पेक्ट से, तो इनके लिए कैसा रहेगा? तो लियो के लिए मैंने आपको कल एक वीडियो जो अपनी वीडियो थी हमारी सूर्य की वीडियो में बात बताई थी कि इनका लॉर्ड जो है सूर्य वो नीच का होने वाला है, और कहाँ नीच का होगा दोस्तों,
शुक्र की ही राशि में होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शुक्र मैंने आपको बता दें कि नीच भंग मिल जाएगा, नीच भंग दोस्तों मिल जाएगा यहाँ पे। नीच भंग दोस्तों पैसे को तो बढ़ा देगा लेकिन हेल्थ में डेंट डाल देगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों शुक्र की जो लॉर्डशिप वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। टेंथ में आकर शुक्र पॉजिटिव हुआ, हालांकि यहाँ पे जो कहते हैं दोस्तों केंद्राधिपति दोष, अच्छा प्लैनेट जब केंद्र का लॉर्ड बनता है तो उसको केंद्राधिपति दोष लगने से उसकी जो अच्छाई होती है वो न्यूट्रैलिटी पे आ जाती है, खराब नहीं होती, न्यूट्रैलिटी पे आ जाती है। और दोस्तों थर्ड तो होता ही नेगेटिव है, तो यहाँ पे शुक्र को इतना पॉजिटिव प्लैनेट नहीं होता। बट अच्छी बात कर दोस्तों, थर्ड इन थर्ड बिकम्स पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव इन नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, यानी कि विपरीत राजयोग, यहाँ से विपरीत राजयोग मिले दोस्तों। और क्योंकि थर्ड हाउस हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, थर्ड हाउस हो गया हमारी शॉर्ट ट्रेवलिंग का, सिबलिंग्स का, भाई बहनों का, तो यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉयमेंट का टाइम है। और क्योंकि सूर्य आपका नीच का हो रहा है आपका यहाँ पर, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी फिलहाल के लिए काम की टेंशन, इस तरह की टेंशन छोड़ दो, थोड़ा सा लो प्रोफाइल कर करें, एंजॉयमेंट की तरफ ध्यान दें, घूमे फिरे, दिवाली का टाइम है, सीजन का टाइम है, अपना फ्रेंड्स के साथ दिवाली तक दोस्तों जो आपने कमाना कमाई अपने दुकान से, अपने बिजनेस से, दिवाली के बाद थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फैमिली के साथ घूमे फिरे, बिकॉज नीच का सूर्य आपको थोड़ा सा परेशान तो करेगा। ठीक है, पैसे वाली इतनी दिक्कत नहीं करेगा, इमोशनली डाउन कर सकता है, फिजिकली आपको डाउन कर सकता है, लीगली आपको डाउन कर सकता है। और थर्ड से दोस्तों नाइन्थ हाउस को देखने से, ये यहाँ पे शुक्र जब नाइन्थ को देखेगा तो यहाँ पे थोड़ा अगर हम भगवान का नाम लें, स्पिरिचुअलिटी में आ जाए, धार्मिक यात्रा करें, बड़े बुजुर्गों की यहाँ पे सेवा करें, अपने कर्मों को ठीक ठाक करें, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वरना ये टाइम थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज सूर्य आपका नीच का है। सूर्य दोस्तों सरकार को डिनोट करता है, सरकार की वजह से अड़चन आ जाती है, सरकार के कारण अड़चन आ जाती है। सूर्य दोस्तों हड्डियों को डिनोट करके चलता है, उसका नीच का होना राहु केतु के साथ आना हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। तो बेटर दोस्तों ये कि अगर आपको घूमने फिरने का मौका मिले, घूमिए फिरिए। थर्ड हाउस दोस्तों स्पीकिंग का हो गया, शुक्र स्वीट प्लैनेट, अच्छा बोलेंगे, रूड नहीं रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे सबसे, तो ही ये टाइम निकलेगा। वरना नीच का सूर्य थोड़ा सा परेशान करने में आपको परेशान कर सकते हैं आपको। चलिए, लियो वालों को ध्यान रखना है, वैसे तो उनके लिए ठीक है, पर उनको अपने गिरने का, चोट लगने का ध्यान और रेपुटेशन का भी। बिल्कुल। सिक्स नंबर वर्गो कन्या, बुध की दूसरी राशि, नाइन्थ एंड सेकंड का लॉर्ड है, सेकंड में प्लेस्ड है, अपने एट्थ हाउस को देखेगा सेवंथ एस्पेक्ट से, तो इनके लिए कैसा रहेगा ये चेंज? दोस्तों वर्गो कन्या यानी कि बुध की ये होते हैं दोस्तों नीच राशि, बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों कि मित्र राशि है, दोनों मित्र प्लैनेट है, पर इसको नीच का दिया गया है, क्योंकि शायद दोस्तों रीजन क्या होगा कि यहाँ पर सिक्स हाउस होने से तो शुक्र की जो नेगेटिविटी मान के इसको नीच का नीच की राशि दे दी गई है इसकी, हालांकि फ्रेंडली साइन होने से इसको उच्च की राशि देनी चाहिए थी, या अच्छे साइन देना चाहिए था, नीच का नहीं होना चाहिए था। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे बुध की जो लॉर्डशिप है वो बड़ी ज़बरदस्त है, नाइन्थ और सेकंड, अगर हम सबकी बात करें दोस्तों सबसे बढ़िया लॉर्डशिप या तो मिलेगी वर्गों को या मिलती है कैंसर को। यहाँ पर देखेंगे नाइन्थ सबसे मजबूत त्रिकोण और सेकंड दोस्तों फैमिली, मतलब आपका जो लक है दोस्तों वो फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, आपका जो लक है आपके फादर के साथ जुड़ा हुआ है, आपका जो स्पीकिंग से जो आपको जो पैसा मिलेगा, आपको जो किस्मत जगेगी आपके बोलने से जाती है, बिकॉज स्पीकिंग होती है सेकंड हाउस। देखो सेकंड हाउस कुटुंब होता है, फायदा होता है बहुत ज़्यादा, सेकंड हाउस टेंथ का फिफ्थ हाउस प्रोफेशनल लक, ये भी लक दोस्तों ये भी लक, तो मतलब प्रोफेशनल लक हमेशा आपको सपोर्ट करता है। मेरे दोस्तों हैं दो तीन क्लाइंट्स, बड़े क्लोज क्लाइंट्स हैं, वो कन्या लगन ही है उनके, वो अपने जॉब के अंदर टॉप मैनेजमेंट के अंदर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सीईओ काइंड ऑफ उनकी जॉब है यहाँ पे, तो बहुत मतलब एक अच्छे लेवल पे काम करते हैं वो। तो ये वर्गो लगन के अंदर हल्का सा भी स्ट्रॉन्ग दोस्तों शुक्र होगा तो वो कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा। और अब तो आप प्लेसमेंट देखिए क्या ज़बरदस्त प्लेसमेंट है अपने ही हाउस के अंदर दोस्तों, यानी कि नाइन्थ को स्ट्रेंथ मिली, सेकेंड को स्ट्रेंथ मिली, दोस्तों बुध अपने साइड में चल ही रहे इनका, और 26 तारीख को दोस्तों बुध भी यहाँ पे इनके सेकेंड हाउस में आ जाएगा। तो इनका जो दोस्तों टाइम है ना उसका मेरे पास वर्ड्स नहीं है, ये आने वाली दिवाली, आने वाला फेस्टिवल सीजन, आने वाला न्यू ईयर दोस्तों बहुत बड़ा करके जाएगा। कल मेरे से किसी की बात हो रही थी दोस्तों वर्गो लगन से, वो शेयर मार्केट का पूछना चाह रहे थे मुझसे कि हम शेयर मार्केट के लिए राइट टाइम है कि नहीं, तो उनको जो मैंने सलाह दी थी मैं आपको भी सलाह देता हूँ, हालांकि उनको तो उनकी कुंडली के हिसाब से सलाह दी थी, मैं आपको आपकी सलाह देता हूँ कि 23 अक्टूबर तक इनफैक्ट शनि रेट्रोग्रेड है, 23 अक्टूबर हो गया आप और शनि बन गया दोस्तों आपका फिफ्थ का लॉर्ड यानी कि स्टॉक मार्केट का, तो अभी अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप 23 के बाद करेंगे, बिकॉज या 26 के बाद कीजिए, 26 को शुक्र भी आपका सेकंड हाउस में आ जाएगा वेल्थ वाले हाउस के अंदर, वहाँ पे शनि जो कि आपका स्टॉक मार्केट का लॉर्ड है वो भी डायरेक्ट हो जाएगा स्टेबिलिटी लेके आ जाएगा, वहाँ से बुध जो आपका सेल्फ लॉर्ड है वो भी सेकंड हाउस में आकर स्टॉक मार्केट से वेल्थ को बढ़ाने वाला काम करेगा। तब तक दिवाली का टाइम है क्योंकि शुक्र आपका अपने ही हाउस में आ जाएगा दोस्तों, शुक्र डिनोट करता है सोना गोल्ड डायमंड, या तो कोई ज्वेलरी लेना चाहते हैं धनतेरस पे दिवाली पे वो ले लीजिए, या गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और आगे आपको प्लस भी मिलेगा, तो ये पर्टिकुलर चेंज बहुत अच्छा होने वाला है।
और सेकंड से एट्थ पे एस्पेक्ट आना जो कि पहले नेगेटिव और था बिकॉज ऑफ नीच का सूर्य राहु की वजह से, सेकंड पे शुक्र का एस्पेक्ट आना आपकी एज को बढ़ा कर चलेगा, एज में क्वालिटी ऐड करेगा। जो अगर आपको पेन चल रही है, पाइल्स के इशूज़ चल रहे हैं, ब्लड लूज हो रहा है, फिशर की दिक्कत है आपको, या यूरिन के इशूज़ हैं, थाइज में दिक्कत है, हिप्स में दिक्कत है, उसमें कहीं ना कहीं शांति मिलेगी बिकॉज शुक्र वहाँ पे आके एक मरहम लगाने का काम करेगा। तो वर्गो वालों के लिए तो दोस्तों ये टाइम एक के बाद एक अच्छा ही होते चले जा रहा है। मंगल चोट देने का काम कर रहा था, मैंने बताया था मंगल की वीडियो में, वो देखिएगा। सूर्य वाला चेंज ठीक ठाक है, शुक्र का चेंज ठीक ठाक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, शुक्र क्योंकि सूर्य क्योंकि दोस्तों आपके सेकंड हाउस में हो रहा है नीच का, ट्वेल्थ का लॉर्ड है। अब शुक्र के यहाँ पे आने से सूर्य को नीच भंग मिलेगा, तो खर्चे तो आपके बढ़ेंगे बिकॉज शुक्र यहाँ पे, सूर्य यहाँ पे ट्वेल्थ का लॉर्ड है, तो खर्चों को पॉजिटिव खर्चे करेंगे हम लोग कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके, ताकि वो जो खर्चे हो रहे हैं आपके पॉजिटिव में डाइवर्ट हो जाए, नेगेटिव खर्चे ना हो या कम से कम हो आपके। चलिए फ्रेंड्स, आज हो गई छह लग्नों की बातें पार्ट वन में। जैसे ही हमने बताया है शुक्र का चेंज हो रहा है, ये तो है जनरल। अगर आप पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और कल हम बनाएंगे पार्ट टू और रेमेडीज भी मुसीबत बताएंगे हर बार की तरह। चलिए, इस बार इतने सारे चेंजेस हो गए दोस्तों, वन एक बैक टू बैक, आप लोग भी कंफ्यूज हो गए इतनी सारी वीडियोस कैसे आ गई है। बिल्कुल, पर ये चेंजेस दोस्तों सारे अच्छे हैं, इनको ट्रैक करना बहुत जरूरी था, और ये आपके लाइफ को अच्छे से कहीं ना कहीं वो मतलब लाइफ में पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग लेकर आएंगे। तो सावधान रहें और अच्छा काम करें अगर आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं पार्ट टू वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।